हाय क्लास एट्थ, आज हम आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके बुक का रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस लेकर आए। एक्चुअली जब इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो बच्चों के मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि आप क्लास एट्थ में आ गए हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेज होते रहते हैं। कुछ चेंजेज को हम समझ पाते हैं, कुछ चेंजेज को नहीं समझ पाते हैं। तो यही जो हमारे मन की जो बात है उसको समझने के लिए हमें क्या पड़ जाता है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ दिक्कत हो पूछिएगा, और जो ना समझ में आए उसे बार बार पूछिए, जब तक वो समझ में ना आ जाए कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक टर्म है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब क्या, देखो क्या होता है कि हम पैदा होते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 हैं, 10-12 साल के बाद अचानक हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। यही चेंज क्या कहलाता है, एडोलेसेंस कहलाता है। तो इस एडोलेसेंस को हम कैसे डिफाइन करें, द पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक के ग्रोथ के पीरियड को हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो चेंजेस होता है, इस चेंज होने की जो पूरी प्रोसेस होती है, उस चेंज होने की पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पुबर्टी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रैपिड चेंज इन बॉडी ड्यूरिंग एज ऑफ एडोलेसेंस, मतलब एज ऑफ एडोलेसेंस के टाइम में हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, उन सारे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, एक साथ उन सारे चेंजेस को हम कहते हैं पुबर्टी। अब देखो चेंज हमारी बॉडी में क्या क्या आता है, सबसे पहले हम ये समझना कि हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंज आते हैं एज ऑफ पुबर्टी में। तो हम देखते हैं कि बॉयज़ में और गर्ल्स में कुछ अलग अलग चेंज आते हैं और कुछ सिमिलर चेंज आते हैं। सबसे पहली बात है ग्रोथ ऑफ इंक्रीज इन हाइट। तो गर्ल्स में भी इंक्रीज ऑफ हाइट होता है, इसलिए हमने यहाँ डू लिख दिया कि दोनों में सेम होता है, लड़के भी बढ़ते हैं जो एडोलेसेंस में और लड़कियाँ भी बढ़ती हैं, है ना। उसके बाद क्या है, ग्रोथ ऑफ सेक्सुअल ऑर्गेन। बॉयज़ के भी सेक्सुअल ऑर्गेन में ग्रोथ होता है और गर्ल्स के भी सेक्सुअल ऑर्गेन्स में क्या होता है, ग्रोथ होता है। उसके बाद क्या है, appearance of hair in pubic region। pubic region में जो है हमारे जो अंदरूनी भागों में क्या होता है, hair growth करना शुरू कर जाता है। girls में भी same होता है, उनके भी अंदरूनी organs में, internal organs में क्या होता है, hair आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, facial hair। boys में क्या होता है, face पे दाढ़ी मूछ आ जाती है, girls में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बॉयज़ में प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म स्टार्ट हो जाता है। स्पर्म उसमें क्या होता है, देखो जैसे आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा जब आपस में मिलता है तो क्या होता है, चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। तो स्पर्म आपकी मेल की बॉडी में कब बनना शुरू होता है, जब वो एज ऑफ एडोलेसेंस को पार करता है ना। फीमेल में क्या होता है, उसमें जैसे मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में क्या होता है, ओवा का प्रोडक्शन भी स्टार्ट होता है एज उस किस में, एज ऑफ पुबर्टी में। उसके बाद क्या है, वॉइस बिकम हार्स। लड़कों की आवाज़ क्या होती, थोड़ी भारी सी हो जाती है, और लड़कियों की आवाज़ क्या होती, थोड़ी मीठी सी हो जाती है, और जब वो तेज़ बोलते हो स्रिल साउंड निकलती है, ठीक है, चिल्लाहट चीखने की साउंड निकलती है। लेकिन इनकी वॉइस क्या हो जाती है, थोड़ी स्वीट साउंड हो जाती है, उनकी क्या होती है, हार्स हो जाती है, थोड़ी सी फटी हुई हो जाती है आवाज़, है ना, भारी भारी सा आवाज़ हो जाता है ना। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, देखो जब हम क्या कहते हैं, मतलब एज ऑफ एडोलेसेंस में आते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो साफ साफ दिखते हैं, उसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये सारी चेंजेस क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो बॉयज़ में होते हैं, जैसे कि आपने ऊपर ही पढ़ा, फेशियल हेयर ग्रो कर जाता है बॉडी, और प्यूबिक रीजन में क्या होता है, बाल आने शुरू हो जाते हैं। शोल्जर और चेस्ट क्या होता है, ब्रॉड एंड हो जाते हैं। शोल्जर और चेस्ट क्या हो जाते हैं, ब्रॉड एंड हो जाते हैं। रिस्ट क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। रिस्ट क्या होती है, चौड़ी होने लगती है, ठीक है, थोड़ी बॉडी शॉडी बन जाती है ना। तो क्या होता है, उनमें चेस्ट और ये क्या होता है, चेस्ट जो है और उनका शोल्जर क्या है, शोल्जर कंधा, और यहाँ पर क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ मसल्स, इधर मसल्स, इधर थाई में मसल्स, लैग में मसल्स की डिपोजिशन, थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी बॉडी दिखने लगती है। क्यों, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और
फीमेल में क्या होता है, उनका हिप्स जो होता है वो क्या होता है, चौड़ा होने लगता है, वाइड होने लगता है, उनके बॉडी पे भी हेयर आता है, उनके भी प्यूबिक रीजन में जो इंटरनल ऑर्गेन्स है उस पर क्या होता है, हेयर ग्रो करने लगते हैं। और इसमें मेमरी ग्लैंड जिसे आप लोग कॉमनली ब्रेस्ट के नाम से जानते हो, क्या होता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसके ऐसा इसलिए होता है ताकि बड़े होने पर वो अपने चाइल्ड को दूध पिला सके, मिल्क फीड करवा सके। तो ये सारे क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और डिफरेंस इन चेंजेज इन बॉयज एंड गर्ल्स क्या होते हैं एट द एज ऑफ एडोलेसेंस। लेकिन ये सारी चेंज होते क्यों हैं, ये सारे चेंज जो है एक केमिकल सब्सटेंस के कारण होता है, इसे हम कहते हैं हार्मोन, जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग चेंज हमारी बॉडी में लाते हैं, और हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बट बेटा हार्मोन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ और चेंजेस जो हमारी मतलब इंटेलेक्चुअलिटी में होती है, हमारे सोचने समझे की समझने के तरीके में जो चेंज होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इस एज में क्या होता है, आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स निकलते हैं तो उस हार्मोन्स के कारण क्या होता है, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करना चाहते हैं, कोई किसी का टोकटक अच्छा नहीं लगता है, मम्मी ने मुझे ऐसा कह दिया, पापा ने ऐसा कह दिया, है ना, उसने ऐसा कह दिया, नहीं क्या मुझे खेलने का अधिकार नहीं है, ऐसी बातें हमारे मन में उठने लगती है कि हमारी क्या अधिकार है, क्या है ये सर, क्या क्यों मोर डिपेंडेंट होते हैं या फिर बनना चाहते हैं, है ना। और क्या होता है, हम कुछ कभी कभी इम्प्रॉपर बिहेवियर शो करते हैं, जैसे लगता है कि हमारे मन का काम नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर बिहेवियर शो करते हैं, कब, जब एज ऑफ एडोलेसेंस में। आपकी गलती नहीं बेटा, ये हार्मोन्स के कारण होता है। सेम क्या है कि ट्राई टू टॉक एंड शेयर देयर व्यूज टू अपोजिट सेक्सुअल पर्सन, हमें क्या होता है, बॉयज़ को थोड़ा गर्ल्स के साथ बात करने में अच्छा लगता है, गर्ल्स को बॉयज़ के साथ बातें करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। बट यही वह एज है जो आपको इंटेलेक्चुअलिटी स्ट्रॉन्ग क्या करता है, मैच्योर करता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। यदि इस एज में आपने अपने आप को क्या करा, याद करने पढ़ने लिखने की तरफ ले आया आप, और यहाँ जो फोकस आपने इन चीज़ों से हटा दिया, तो क्या होगा, आप बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन होंगे, क्योंकि यही है फाउंडेशन है, यही है टाइम एडोलेसेंस जो क्या करता है, आपको आगे की ओर ले जाता है। अब हम पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स इज अ केमिकल दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन हमारे बॉडी को बढ़ने का तरीका, हम धीरे धीरे बढ़ रहे होते एकदम से बढ़ जाते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये सारा कौन लेके आता है, हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है वह दो ग्लैंड से निकलते हैं, एक तो कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, इसे डकलेस ग्लैंड होता है, इसमें कोई डक नहीं होता, यह डायरेक्टली टारगेट साइट पर क्या करता है, सेक्रेशन करता है, ब्लड स्ट्रीम में से टारगेट साइट पर चला जाता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, और यह क्या करता है, टारगेट साइट पे डक्ट के माध्यम से अपने सेक्रेशन को भेजता है। अब देखेंगे हम, अभी हम पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे लिए कैसे कितना सारा हार्मोन छोड़ता है और उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है, और इसका डायग्राम भी हम आपको दिखाएंगे। तो अब हम चलते हैं डायग्रामेटिक सेक्शन की तरफ और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या क्या फंक्शन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, हमने क्या पढ़ना था, ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड को जानेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है। यदि आप फिगर को देखें तो एक तरफ जो है ये किसका है, ये मेल एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये क्या है, फीमेल फीमेल में जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं उसका फिगर है। देखो हमारे सर के ठीक एकदम सेंटर में ग्लैंड पाए, हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड्स, उसके नीचे क्या होता पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, क्या पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, थायरॉयड ग्लैंड्स, क्या है, थायरॉयड ग्लैंड्स। उसके बाद क्या है, आपके ठीक थायरॉयड ग्लैंड जो आपके नेक में पाया जाता है, नेक के ठीक नीचे क्या पाया जाता है, ग्लैंड पाया जाता है, इसको कहते हैं थाइमस, क्या कहते हैं, थाइमस। उसके बाद आप देखेंगे आपके एब्डोमेन के ठीक नीचे क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, क्या होता है, पैनक्रियाज। तो उसमें क्या होता है, वहाँ एक ग्लैंड पाया जाता है, क्या कहते हैं, पैनक्रियाज ही कहते हैं। उसके बाद क्या है, एड्रिनल ग्लैंड जो ठीक किडनी के ऊपर है, देखिए है ना, किडनी के ऊपर है, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और एक जो है हमारे बॉडी में वह क्या है, मेल में उसका क्या होता है, एब्डोमेन कैविटी के बाहर कुछ पार्ट्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, यह भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो मेल में ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, और फीमेल में कौन कौन से हैं, देखिए एज इट इज जैसा मेल में था पीनियल ग्लैंड, फिर उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर नेक में थायराइड ग्लैंड, फिर उसके नीचे थाइमस ग्लैंड, ठीक है, फिर पैनक्रियाज, पैनक्रेटिक ग्लैंड्स, उसके बाद क्या है, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ मेल में जो सेक्सुअल
ऑर्गेन या फिर सेक्सुअल हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाला जो ग्लैंड था उसका नाम क्या था, टेस्टिस। और टेस्टिस के वैसे ही फीमेल में क्या है, ओवरी है। तो यहाँ क्या है, एक अंतर क्या है कि मेल में टेस्टिस पाया जाता है और फीमेल में क्या पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं कि ये कुछ हम बाकी तो टेंथ में पढ़ेंगे, बट अब हम पढ़ते हैं कि इन ग्लैंड्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा, अभी देखा कि कौन से ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं। अब इस पर एक हमने चार्ट बनाया और चार्ट पे बेस पे हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा ग्लैंड कहाँ है, वो कौन सा हार्मोन छोड़ता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये सारे ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो ये क्या कहते हैं, वैरायटी ऑफ हार्मोन छोड़ता है, जिसमें मेन है एसटीएच, जो आपको पढ़ना है, बाकी बहुत सारे हैं, अभी क्लास टेंथ में पढ़ेंगे आप इसको। ये हार्मोन क्या है, एसटीएच, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं बेटा। तो नाम ये ग्रोथ हार्मोन, तो ये क्या कहता है, ह्यूमन बॉडी ग्रोथ, या क्या कहता है, ह्यूमन बॉडी ग्रोथ करता है। उसके बाद दूसरे नंबर हमने लिखा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, कहाँ पाया जाता है, हमारे एब्डोमेन कैविटी के ठीक नीचे, पेनक्रियाज में पाया जाता है, और एब्डोमेन के नीचे, ठीक है, एब्डोमेन कैविटी के नीचे, एब्डोमेन के नीचे पाया जाता है। और ये क्या छोड़ता है, इंसुलिन छोड़ता है, इंसुलिन छोड़ता है। और ये इंसुलिन क्या करता है, मेंटेन शुगर लेवल इन बॉडी, आपके बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। पता है ना, आपके बॉडी में यदि क्या हो, इंसुलिन ना निकले तो क्या होगा, डायबिटीज़ नाम की बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ किससे कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है बेटा, अब क्या, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल ग्लैंड कहा होता है, अभी आपने देखा कहाँ होता है, किडनी के ऊपर होता है, कहाँ होता है, अबव द किडनी। और यह एक हार्मोन छोड़ता है, एड्रिनलिन। क्या छोड़ता है, एड्रिनलिन। आपने देखा हो कभी आप अंधेरे में चल रहे हो, अचानक से आपको लगता है कोई मेरे पीछे आ रहा है ना, दिल धड़कने लगता है जोर से, एकदम तेजी से भागते हो, है ना। तो या फिर आप कुछ जैसे फ्रिज से निकाले कुछ खा रहे हो, चुरा के खा रहे हो, छीटे चुरा कर खा रहे हो, और अचानक से मम्मी आ जाए सामने, तो क्या होगा, धक से धड़क जाता है ना। तो ये क्यों होता है, एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, उस समय आपकी बॉडी में एड्रिनलिन छोड़ता है। यदि ऐसा ना होगा तो कई बार ब्रेन हैमरेज हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसको बचने के लिए, सडन शॉक से बचने के लिए, एड्रिनलिन क्या करता है, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, और क्या करता है, यह ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है। और आपको डर भी जो लगता है ना, वो अंधेरे अंधेरे से किसी से डर लगता है, किसी कारण, एड्रिनलिन के कारण, किसी कारण, एड्रिनलिन के कारण। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, थायराइड। थायराइड क्या होता है, नेक रीजन में होता है। ये नेक रीजन में जो थायराइड होता है, वो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन छोड़ता है। और थायरोक्सिन क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंप्लीट करता है। आपने देखा होगा जिन बच्चों की बॉडी में क्या होता है, वो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है, तो क्या होता है, उनके जीभ जो मोटे हो जाते हैं, मुंह से हमेशा पानी पानी निकलता रहता है। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा बाद में, तो क्या होता है, यदि कम निकले तो थायरॉयड की बीमारी हो जाती है। नाम सुना होगा, फलाने को थायराइड का फूलता जा रहा है ना, तो क्या होता है, हाइपर थायराइड। और हाइपोथायराइड हो जाएगा तो क्या होगा, थायराइड बिल्कुल ना निकले तो क्या होगा, सूख जाओगे, है ना। सो उसके बाद क्या, एकदम पतले हो जाओगे। उसके बाद क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होता है, ठीक है, आपके पेट की कैविटी के क्या होता है, नीचे होता है, बाहर की ओर लटका हुआ सा होता है। उसमें क्या होता है, दो पेयर ऑफ, एक बैग होता है, उस बैग के अंदर दो पेयर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। और यह मेल, केवल मेल में पाया जाता है, मेल के दो थाई के बीच में लटका हुआ सा होता है, ठीक है। और इसमें इसमें क्या होता है, यह क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जिसे हम एंड्रोजेंस भी कहते हैं। उसका एक एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। यह क्या करता है, आपकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है, जैसे दाढ़ी आना, बाल आना, मूछे आना, वॉइस का हार्स हो जाना, नहीं आपने देखा, ये सारा काम कौन करता है, ये करता है टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, किसमें, मेल में। लेकिन फीमेल में क्या होता है, इसकी जगह ओवरी होती है, और ओवरी क्या छोड़ती है, प्रोजेस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन। फीमेल में क्या होता है, ओवरी होती है, और ओवरी क्या छोड़ता है, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे पैदा करती है महिला, किसके कारण, प्रोजेस्टेरोन के कारण। इसकी कमी हो तो बच्चे टिकेंगे नहीं। सुना, आपने सुना होगा फलाने के बच्चे खत्म हो गए, या पेट में ही मर गए, या फिर हो ही नहीं रहा, क्योंकि उनकी बॉडी प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है। दूसरा क्या है, ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन क्या करता है, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वैसे फीमेल में ऑस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब हमें पढ़ना है कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग।
अब बेटा देखो हमें क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ह्यूमन के जो लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई भी फीमेल मैच्योर होती है तो मैच्योरेशन आफ्टर द मैच्योरेशन एवरी 28 to 30 days या तो 28 दिन या 30 दिन में क्या होता है उनकी ओवरी जो है एक एक मैच्योर एग को क्या करती है रिलीज करती है। इसको हम क्या कहते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रिलीजिंग ऑफ अ मैच्योर ओवा, द रिलीजिंग ऑफ मैच्योर ओवा फ्रॉम ओवरी एट एवरी 28 to 30 days इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। देखो ओव्यूलेशन और यह हर एक 28 to 30 days की एक पीरियड हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसके बाद क्या है कि जब ये मैच्योर्ड एग जो है वह क्या होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते। तो फर्टिलाइज नहीं होते मतलब वह क्या होता है वहाँ मेल और फीमेल स्पर्म आपस में, मेल और फीमेल जो है वह गैमेट्स आपस में नहीं मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि वह एग जो है जो मैच्योर एग है वह बॉडी से बाहर आता है और फीमेल वेजाइना से बहुत सारा क्या होता है ब्लड डिस्चार्ज होता है और क्लॉट ऑफ द ब्लड निकलता है जो क्या होता है अनमैच्योर्ड जो क्या होता है अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो क्या होता है बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। देखो अब क्या होता है जब पहली बार क्या होता है मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है पहली बार शुरू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं मीनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं मीनार्की कहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनार्की एंड द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपोज। उसे हम क्या कहते हैं मेनोपोज कहते हैं। जब महिलाएं क्या होती है 50-55 साल की हो जाती है तो उनके बाद क्या होता है ओवा फर्टिलाइज होना बंद होता है, उनकी बॉडी से ओवा बाहर नहीं निकलता। तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं क्या मेनोपॉज। और इसलिए आप देखोगे कि इस 50 से 55 साल की महिलाएं जो है वो क्या होती है बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है क्योंकि उनके बॉडी से बहुत सारे हार्मोन निकलने क्या होते हैं बंद हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। ये सब किसके कारण होता है बिकॉज ऑफ मेनोपॉज होता है। ठीक है बेटा तो इसके बाद जो है हमें आगे क्या पढ़ना है, हमें आगे पढ़ना है सेक्स जर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है अब देखो बेटा हमें क्या पढ़ना है सेक्स जर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या पढ़ना है सेक्स जर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग मतलब कैसे संतान जो है वह क्या होता है ह्यूमन बीइंग में पैदा होते हैं, कैसे मेल पैदा होता है कैसे फीमेल पैदा होता है। ठीक है तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं हर एक सेल क्या करते हैं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम रखते हैं। कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम रखते हैं। अब जो सारे क्रोमोजोम हैं उसमें से 22 पेयर जो है जो क्रोमोजोम है उसमें से देखो ह्यूमन में कितने हो गए 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। क्या हो गया 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम मेल में भी हर एक सेल के अंदर और फीमेल के भी, मेल के भी हर एक सेल के अंदर और फीमेल के भी हर एक सेल के अंदर। इसमें से 22 जोड़े क्या कहलाते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहलाते हैं ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और एक पेयर जो बच जाता है इसमें से उसे हम क्या कहते हैं वन पेयर क्रोमोजोम जो होता है वो क्या कहलाता है सेक्स क्रोमोजोम। क्या कहलाता है सेक्स क्रोमोजोम। तो यही वो सेक्स क्रोमोजोम है जो क्या करता है चाइल्ड के सेक्स को क्या कहते हैं डिटरमाइन करता है। जैसे देखो फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। क्या होता है एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। और मेल में क्या होता है एक्स वाई क्रोमोजोम होता है। अब देखो जब मेल का एक्स क्रोमोजोम फीमेल के एक्स क्रोमोजोम के साथ क्या होता है फर्टिलाइज होता है तो क्या बनता है एक्स एक्स बनता है और ऐसे जो बेबी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी गर्ल चाइल्ड होगी। क्या होगी गर्ल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड होगी। ठीक है वह दूसरा क्या होगा मेल का वाई क्रोमोजोम यदि फीमेल के एक्स क्रोमोजोम के साथ क्या करता है फर्टिलाइज होता है तो क्या बनाएगा तो क्या होगा बेबी बॉय के किस में एक्स और वाई मेल में क्या होता है एक्स वाई होते हैं तो क्या बनेगा बेबी बॉय बनेगा और वो क्या होगी बेबी गर्ल्स होगी ऊपर ऊपर। ठीक है तो ऐसे ही क्या होता है ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन होता है। ठीक है तो बेटा देखो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वह
जो है एक जब आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ आते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं और उसके बाद हम कैसे अपने आप को इस एज में हैप्पी एंड हेल्थी रख सकते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे अभी। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स, एक एडोलेसेंट के साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होते हैं। एक्चुअली देखो बेटा, इस एज में क्या होता है, आप जो है टीनेज को छोड़ करके एडल्टहुड की तरफ क्या करते हैं, कदम रखते हैं। सो क्या होता है आप में, क्या होता है कि आप कॉशस हो जाते हैं किसके बारे में, सेल्फ अपीयरेंस के बारे में, कैसा दिखता हूँ, कंघी लेके खड़ा होना, एक अपना मैं सुंदर दिखूँ, सजना संवरना, ये क्या होता है, आप अपने अपीयरेंस को लेके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। दूसरा क्या होता है कि आप में सेल्फ एस्टीम की भावना आती है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे भी कुछ राइट्स हैं, मेरे को भी बोलने का अधिकार है, पापा मेरे को क्यों टोकते हैं, मैं मेरे को क्यों टोकती है, तो ये सब क्या है आपके अंदर आते हैं, ठीक है। क्यों ये सारे बदलाव हर एक से सब गुजरते हैं, हर एक व्यक्ति में ऐसा ही बदलाव आता है। बट क्या होता है कि यहाँ जो है कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, वो जो है हॉर्मोनल चेंज को जो है वो क्या करते हैं के कारण कहते हैं, अपने आप को बिल्कुल सा इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, अपना एक स्पेस चाहते हैं, है ना, तो अपने स्पेस में रहना चाहते हैं। तो ये सब क्या है, एक साइकोलॉजिकल चेंजेस है जो एडल्टहुड में आता है। बट मैं बात पिछले बार भी अभी कुछ पहले भी कहा है कि आप इसी एज में कुछ बन भी सकते हैं और फिर गलत रास्ते पर भी मूव कर सकते हैं, तो ये आप पर डिपेंड है कि आप इस चेंज को कैसे ग्रास्प करते हैं, कैसे लेते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कि कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ एडोलेसेंस, तो बहुत यदि पहले की बात करें, ये कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ एडोलेसेंस जब क्या होते थे, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता था, उन्हें क्या करता, जमीन पर लिटाया जाता था, उन्हें घर में खाना नहीं बना दिया जाता था, उन्हें सूती कपड़े पहनने पड़ते, ठंड में भी छोटे से जमीन पर चादर बिछा कर सोना पड़ता था, तो क्योंकि इसे क्या माना जाता था, इनहोली माना जाता, अपवित्र माना जाता था। बट आज क्या हो गया, समय चेंज हो गया, आज जब 18 ईयर के होते हैं तो बर्थडे सेलिब्रेशन का एक नया स्टाइल आ गया आजकल, जिसे हम क्या कहते हैं, एडवेंट ऑफ द एडल्टहुड। उस 18 ईयर के बर्थडे को आजकल क्या कहते हैं, एडवेंट ऑफ एडल्टहुड, और बहुत जोर शोर से इस बर्थडे को लोग मनाते हैं। तो समय के साथ हमारे कल्चरल सिग्निफिकेंस में भी क्या हो गया, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। देखो हमारे यहाँ जो मैरिज का एज है वह क्या है, मेल का 21 ईयर और फीमेल का 18 ईयर, है ना। अब पहले क्या होता था कि लड़कियों की शादी बहुत कम एज में करवा दी जाती थी, लड़कों की शादी बहुत कम एज में करवा दी, इस कारण क्या होता था कि बहुत सारी महिलाएं जो है वह चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के वक्त में क्या होती थी, ख़त्म हो जाती थी वो, क्योंकि वह मैच्योर नहीं होती थी, इतनी मैच्योर नहीं होती थी कि वह क्या करे, संतान उत्पन्न कर सके, ठीक है। अब कहते हैं कि हम देखते हैं कि एक क्या क्या हेल्थ इशूज़ जो है वह आते हैं इस टाइम में। सबसे पहले क्या होता है कि हमें अपने सबसे पहले जब आप एडल्टहुड की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, क्योंकि आपकी हाइट बढ़ रही होती है, सेल्स क्या होते हैं, फास्टली डिवाइड हो रहा होता है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, आपको बहुत सारा जो है वो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो आप क्या लेना चाहिए, आपको बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, बैलेंस एंड हेल्दी डाइट लेना चाहिए। आप वेजिटेरियन ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, आप मीट ले सकते हैं, रेड मीट खा सकते हैं, तो व्हाइट मीट खा सकते हैं, सारी चीज़ें क्या है आपको क्या करती है, फिट रखती है। और आजकल क्या देखा गया कि टीनेजर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फॉन्ड ऑफ होते हैं किसके, जंक फूड के। आपको क्या चाहिए, क्या खाना है भाई, फिंगर खाना है, क्या खाना है, पिज्ज़ा खाना है, क्या खाना है, बर्गर खाना है, लेकिन आपको पता है ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करती है, ओबेसिटी कॉज करती है, मोटापा बढ़ाती है और बहुत सारे डिजीज़ को कॉज करती है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ बहुत ही कम कर, लेस अमाउंट में करना चाहिए, रेगुलर नहीं करना चाहिए, हमें जो है घर में बने हुए और न्यूट्रिएंट्स वाले फूड लेने चाहिए, हमें फ्रूट्स ज़्यादा लेना चाहिए, हमें लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो जंक फूड है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, हमें हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की। पर्सनल हाइजीन की बात करें तो यहाँ क्या होता है, जब आप चूँकि एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, तो अपने जेनिटियल ऑर्गेन की सफाई करनी है, ठीक है, और रोज़ बात करना है, रोज़ नहाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कॉटन्स के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। गर्ल्स को जो है एक्स्ट्रा, जब उनकी पीरियड शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना चाहिए और साफ सफाई जो है वो अपने ऑर्गेन्स के करने चाहिए।
और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है तो उसे मार्क कर लीजिए, जैसे इस महीने को 28 को हुआ है तो अगले महीने को 26 का को भी हो सकता है, तो आप उसे क्या करेंगे मार्क कर लेंगे कैलेंडर में, और फिर क्या करेंगे आपको पता रहेगा, तो आप क्या करते हैं सैनिटरी पैड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब है ताकि क्या हो सके माइक्रोबियल फंक्शन इन्फेक्शन से आप क्या हो सके बच सके। अब क्या है फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ जो है इस एज में एक्सरसाइज, बहुत सारे बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते, वह गेम खेलना पसंद करते हैं, वीडियो गेम्स मोबाइल्स में गेम्स खेलना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते, यह अच्छी आदत नहीं है। अब क्या करना है खूब सारा एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, आउटडोर गेम खेलना है, घर के अंदर वाले गेम ही नहीं खेलने, घर के बाहर वाले गेम भी खेलने हैं। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, देखो क्या होता है कि एडोलेसेंस में एज में क्या होता है कि हम बहुत सारे बैड हैबिट की तरह आकर्षित होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इस एज में स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना बीड़ी पीना शुरू करते हैं, स्मोकिंग करना क्या करते हैं शुरू कर देते हैं, यह केवल हमारी बॉडी के लिए और माइंड के लिए क्या है हानिकारक नहीं है, बट ये हमारे फ्यूचर को क्या करते हैं स्पॉइल कर देता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वह क्या होते हैं नशे की जाल में फंस जाते हैं नहीं, और फिर उनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। बेटा हमें ऐसी चीज़ों से कौन चाहिए दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस एज में क्या होता है हमें बुरी चीज़ जल्दी आकर्षित करती है, हमें ड्रग्स या अपनी तरफ आकर्षित करती है, और आपको पता है कि यदि ड्रग्स जो है वो सिक्योरली नहीं लिया जाए तो क्या हो जाता है बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। ड्रग तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, और आपने देखा कि ड्रग्स लेने वाले क्या करते हैं एक ही इंजेक्शन से एक दूसरे क्या करते हैं इंजेक्शन ले लेते हैं ड्रग्स की, या फिर क्या करते हैं एक ही सिगरेट से सिगरेट पे, तो बहुत सारी बीमारियां होती है, बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि आज जो है एड्स से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, एड्स पता है ना एड्स क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह HIV नाम के वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है, और जिस कारण यह जो है बहुत ही फैटल डिजीज है। और यह कैसे फैलता है, यह फैलता है कैसे तो कंटेमिनेटेड सिरिंज से, या फिर सिरिंज जो से सुई देते हैं उसी फिर दूसरे को सुई लगा दिया तो उससे हो जाएगा, या फिर कैसे हो सकता है यह हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, यदि किसी का ब्लड एड्स वाला ब्लड दूसरे को चढ़ जाए तो उसको भी हो जाएगा, और माँ के पेट में जो बच्चे होते हैं उनको भी माँ से क्या होता है ऐसा हो सकता है, दूसरा क्या होता है वायरस से, तीसरा क्या होता है अगला क्या होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए मल्टीगैमी नहीं होना चाहिए, हमें मोनोगैमी होना चाहिए, और हमें जो है सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है लाइफ में उसके प्रोसेस को अपनाना चाहिए, है ना, क्योंकि एड्स जो है बेटा वो बहुत डेडली डिजीज है, इससे बहुत सारे लोग दुनिया में क्या हो गए हैं मारे गए हैं। तो बेटा अब इस चैप्टर को हम एंड करते हैं, जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हो आप पूछिएगा ज़रूर, और पसंद आएगा तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।